रानीगंज के रोटी पार्टी से संलग्न इलाके में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने बालू लदे तीन ट्रैक्टरों को पकड़ लिया। BLLRO और पुलिस ने जांच की तो पता चला कि एक ट्रैक्टर पर ओवरलोड बालू लदा था और बाकी दो ट्रैक्टरों पर लदे बालू के चालान में हेरा फेरी की गई थी। BLLRO के निर्देश पर तीनों ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए। रानीगंज थाना क्षेत्र के रोटी बाटी इलाके में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने बालू लदे तीन ट्रैक्टरों को रोक कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे तृणमूल समर्थकों का आरोप था कि ट्रैक्टरों पर ओवरलोड बालू लदा है और बिना चालान के ही बालू तस्करी की जा रही है। तृणमूल समर्थकों ने इस घटना की जानकारी रानीगंज ब्लॉक के BLLRO और पुलिस को दी। BLLRO जब मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि एक ट्रैक्टर पर ओवरलोड बालू लदा था, बाकी दो ट्रैक्टरों पर लदे बालू का कोई चालान नहीं था। ऐसे में BLLRO ने बालू लदे तीनों ट्रैक्टरों को जब्त करने के निर्देश दिए। ये तीनों ट्रैक्टर दामोदर नदी से बालू लेकर रोटी बाटी और कुमारडीह के रास्ते जा रहे थे। इस विषय को लेकर BLLRO शांतनु माझी ने कहा कि जब तीनों ट्रैक्टर पकड़े गए तो उनमें से एक ट्रैक्टर पर ओवरलोड बालू पाया गया, जबकि अन्य दो ट्रैक्टर के ड्राइवर चालान नहीं दिखा सके। जब उनसे चालान मांगा गया तो उन्होंने थोड़ा समय देने के लिए कहा। काफी इंतजार के बाद जब दोनों ड्राइवर चालान लेकर आए तो उसकी जांच करने पर पता चला कि जब बालू लदे दोनों ट्रैक्टर पकड़े गए थे उसके बाद चालान जारी किए गए हैं। सोमवार सुबह 9 बजे बालू लदे दोनों ट्रैक्टर पकड़े गए थे और सुबह 10:45 बजे दोनों चालान जारी किए गए थे, इसलिए तीनों ट्रैक्टर जब्त करने के निर्देश दिए गए। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। BLLRO शांतनु माझी ने बिना चालान के अवैध तरीके से बालू तस्करी एवं ओवरलोडिंग की शिकायत को लेकर कहा कि हम लोग नियमित रूप से अभियान चलाते हैं और जब भी ओवरलोड बालू पकड़ा जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में अभियान चलाकर लगभग 3 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। খুব সুন্দর একটা গ্যাপিং পিরিয়ড ওরা পেলো, হ্যাঁ, এবং তার ভিডিও আছে। না আমি জানাচ্ছি আপনাকে, আপনি তো নোটাটা আমরাও জানি, হ্যাঁ, ও বললে তো হবে না, আপনি জানেন এটা গ্যাপি, আপনি নোটাই ধরেছেন এই এটা আপনার। ঠিক আছে, আমি যেটা বলছি এই চালান কিন্তু এখন আপনি চাইলেও জেনারেট করতে পারবেন না, অনলাইন জানি হয়তো এতো ইয়ে হয়ে যাবে, অনলাইনে অনলাইনে পরে টাইম হবে এটা। আপনি এখন চাইলে ধরুন গাড়ি ধরেছেন, এইটা পরে এটা বোঝাবেন না, আমি বোঝাচ্ছি না, আমি বোঝাচ্ছি না, আমি বুঝিয়েছি অনলাইনে এইগুলো আগে। আমি আবার বলি এই সিস্টেমটা আমরা বুঝছি, কিন্তু গাড়ি ধরার পরে এই গাড়ি দিয়েছিলেন তখন চালান দেখায়নি, তখন দেখায়নি, পরে চালান, পরে চালান নিয়ে আসছে এবং ওনাকে ফোন করেছি, উনি তো বলছেন 9টার সময় আমরা ফোন করেছি, 9টা থেকে 10:47 চালান আপনি পাবেন ওদের কাছে। রানীগঞ্জ থেকে সঞ্জয় ভান্ডারী কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে মনপসন্দ চাকি ফ্রেশ আটা মনপসন্দ। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।